हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, टुडे आई टेल यू अबाउट द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम पैटर्न 2022। मैं आज आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पूरा LLB के पूरे प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। आप खाली वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम जो कराती है, दो स्तर पर कराती है। एक तो कराती है BA LLB और करवाती है LLB। BA LLB जो कोर्स होता है यह 5 साल का कोर्स होता है, और LLB जो कोर्स होता है यह 3 साल का कोर्स होता है। तो BA LLB के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और LLB के लिए 3 ईयर की LLB के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जो BA LLB होता है वो 12वीं के बाद होता है, मतलब 12वीं पास कर चुके हों आप, और तभी आप BA LLB का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने ग्रेजुएशन पास आउट हों वो LLB का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो 12th के बाद ये 5 साल का होता है, और ग्रेजुएशन के बाद ये 2 साल का होता है। ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात। अब करते हैं हम इसके मतलब पेपर के बारे के बारे में। तो दोस्तों, तो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इसकी फीस के बारे में जाता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB की जो एंट्रेंस एग्जाम जो फॉर्म की फीस होती है वो 800 मतलब 800 रुपये होती है। तो सर्वप्रथम हम इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस में कौन कौन से विषय में से आपके प्रश्न आते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 300 मार्क्स का एक पेपर होता है। आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, आपके 2 घंटा का ये टाइम लेता है। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें से 3 पेपरों में से आपके, मतलब 3 सब्जेक्टों में से आपके प्रश्न आते हैं। जैसे कि पेपर 1 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश के लो या हिंदी के लो। इंग्लिश वाले छात्र इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी वाले छात्र हिंदी में दे सकते हैं। नंबर जो पेपर 2 होता है वो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मतलब सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 3 जो होता है वो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो लीगल एप्टीट्यूड लॉ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपके GS में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये तो रही मतलब उसके बारे में बात। तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन होता है तो मैं बता दूँ, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आ जाता है। पेपर टाइप जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, इसमें 4 आपके ऑप्शन दिए होते हैं। आपको सही क्वेश्चन आपको चूज कर टिक मानना है खाली। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा का है। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के सिलेबस के बारे में, मतलब इसमें से कौन कौन से टॉपिक में से आपके प्रश्न आएंगे। तो इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब भारतीय और विश्व इतिहास में से आएंगे। जियोग्राफी भूगोल से आएंगे। इन्वायरमेंट पर्यावरण से आएंगे। एंड आपके रीजनिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड इश्यूज से क्वेश्चन आएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर आते हैं। कहाँ से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं LLB के एंट्रेंस में। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, मतलब विधि से अंतर्गत सारे क्वेश्चन आते हैं। लीगल सिस्टम में बोला था, मतलब विधि के लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लीगल सिस्टम भी ज़्यादा आते हैं। इंडियन कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। टेरिटरीज से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सिलेबस के बारे में, मतलब इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। डिटेल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ऑड इवन एंड डिस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल फैकल्टी से क्वेश्चन आते हैं। सोलोरिज्म से क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आपके आते हैं। सिनोनिम्स में से आते हैं। वोकैबुलरी में से आते हैं। एंटोनिम्स में से आते हैं। होमोनिम्स में आता है। नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स में से क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड्स ट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग एरर्स आती हैं। डोमेंस आते हैं। फायर्स आते हैं। सेंटेक्स आती है। ग्रामर आती है। लीगल टर्म्स आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आती है।
और मतलब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश में देंगे और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में देंगे। तो हिंदी में आपके होते हैं संधि विच्छेद, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, ये आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वैसे तो पेपर ये हिंदी में होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ये जो और एग्जाम होते हैं इंग्लिश, बीचों का हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। जो और जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओनली इंग्लिश में आता है। तो ज़्यादातर जो बच्चे पेपर देना पसंद करते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU का देना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम से, क्योंकि जो इंग्लिश वाले माध्यम के बच्चे होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए जो हिंदी वाले यूनिवर्सिटी हैं वो इलाहाबाद से ही देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ओनली इलाहाबाद और BHU का ही एंट्रेंस एग्जाम दें LLB के रिगार्डिंग। जो इंग्लिश वाले हैं वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही दें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।